Hey guys, what's up? Welcome back once again. आज मैं आपको बताऊंगा मेरा सप्लीमेंट स्टैक जो मैं यूज करता हूँ फॉर बल्किंग ए टू जेड. सारे सप्लीमेंट्स आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो कहीं मत जाइए, देखते रहिए वीडियो. वी विल बी बैक फ्रॉम द डेड. Hey guys, welcome back. आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी. मेरा नाम है गौरव. वेलकम टू माय किचन. दिस इज माय किचन और यहाँ पे सारे अपने मैं सप्लीमेंट्स रखता हूँ. बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई वांट टू थैंक ऑल आर व्यूअर्स, ऑल आर सब्सक्राइबर्स. गाइस, थैंक यू सो मच. इतना प्यार देते हैं आप लोग, इतना सपोर्ट देते हैं. आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सो थैंक यू वंस अगेन. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, सप्लीमेंट्स फॉर बल्किंग. सो गाइस, मैं क्या अपने पहले प्रोटीन्स दिखा देता हूँ, क्या क्या यूज करता हूँ मैं. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तरीके के प्रोटीन है मेरे पास. तो गाइस स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से. ये है वे हाइड्रोलाइज डायमेटाइज का है ये, और फ्लेवर कौन सा है, फ्लेवर चॉकलेट ब्राउनी. सो ये है मेरा पोस्ट वर्कआउट. तो आपको बता दूं, ये और ये सेम कंपनी के हैं, जस्ट फ्लेवर डिफरेंट है. तो ये है चॉकलेट और ये है सिनेमन बन. और ये जो मैंने रखा है गाइस, ये गेहूं का आटा, ये मैं खाता हूं वर्कआउट के बाद, मजाक कर रहा हूं. इसमें है माय प्रोटीन का पीनट, चॉकलेट पीनट फ्लेवर. तो वो 5 किलो का था तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया. तो एक बार क्या हुआ, मेरी बीवी ने इसकी रोटियां बना दी थी, तो वे प्रोटीन रोटियां, उसकी भी मैं रेसिपी शेयर करूंगा आपके साथ. और जो तीसरा वे प्रोटीन मेरे पास है, ये है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. ये बहुत ही कॉमन है, और कॉमन होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी भी इसी में चलती है. तो ध्यान से खरीदे जब भी खरीदे. सो ये हो गए मेरे वे प्रोटीन्स. अब ये दिखाता हूँ आपको ये मैं क्या यूज़ करता हूँ. ये है गाइस कॉम्बैट का, ये है कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर का. दिस इज़ अ ब्लेंड प्रोटीन. इसमें इस 1, 2, 3, 4, 5 तरीके के ब्लेंड हैं. इसका मतलब ये सिर्फ वे से नहीं बना, ये वे, सोए, एग और क्या डाला इसमें, केसिन. तो ये इतने 5 तरीके का प्रोटीन है. तो एक टाइम रिलीज हो जाता है इससे, मतलब कि आपकी बॉडी में क्विक एब्जॉर्बिंग नहीं होता, थोड़े टाइम में आपको देता रहता है. ये सेम चीज़ है गाइस, मैं इसके लिए इसका क्लोजअप नहीं लूँगा. ट्रिपल बेरी फ्लेवर है, फ्लेवर डिफरेंट है इसका. बट इस कॉम्बैट में क्या, मुझे लगता है कि थोड़ी चीनी बहुत ज़्यादा ये लोग मिक्स करते हैं, आर्टिफिशियल चीनी बहुत मिक्स करते हैं. तो जिन लोगों को कम शुगर पसंद है वो शायद ये ना लें. सो गाइस, अब आती है बात केसिन की. ये है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का केसिन प्रोटीन. वेनिला फ्लेवर है ये. ये रात को ले सकते हैं आप सोने के पहले. ये टाइम रिलीज का, ये बहुत ही स्लो रिलीज होता है, तो आपको रात भर एक कांस्टेंट फीड मिलता रहता है अमीनो एसिड का. सो ये रात को आप पानी में यूज़ कर सकते हैं, दूध में यूज़ कर सकते हैं. आई डोंट माइंड रात को दूध, बट पोस्ट वर्कआउट कोई भी बंदा दूध यूज़ नहीं करेगा. दिस इज सेम थिंग डिफरेंट फ्लेवर. तो कितने तरीके के दिखा दिए मैंने आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तरीके के प्रोटीन है मेरे पास. आपको लगेगा यार बॉडी बनाने के लिए 8 तरीके के प्रोटीन चाहिए क्या भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है. ये मैं रखता हूँ बिकॉज मेरे को शौक है. भाई देखिए, मैं सिंपल सा आदमी हूँ, मेरे को ना घड़ियों का शौक है, ना जूतों का शौक है, ना बेल्टों का, ना महंगे वॉलेट का. दो ही शौक है मेरे, एक वे प्रोटीन, दूसरा लड़की. मजाक करो भाई प्लीज़. एक ही शौक है मेरा यार, वे प्रोटीन और फूड और खाने पे मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड करता हूँ. कभी भी बाहर जाता हूँ तो ग्रोसरी शॉपिंग मैं खुद ही करता हूँ, अपने घर की वे प्रोटीन भी खुद ही करता हूँ. थोड़ा सा जैसे लड़कियाँ जब शॉपिंग करती है तो उनको अपनी ड्रेसेस चाहिए होती हैं बहुत ज़्यादा. हमको क्या है, सप्लीमेंट शॉप में जाके हम पागल जाते हैं, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए. तो मैं बहुत सारे फ्लेवर्स इकट्ठा करता हूँ. तो हर दिन मैं एक अलग, जैसे आज मैंने चॉकलेट पिया, कल मैं सिनेमन पीऊँगा, फिर स्ट्रॉबेरी पीऊँगा, फिर पीनट पीऊँगा. सो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जितने ज़्यादा फ्लेवर्स रख सकूँ. और थोड़ी माता रानी की कृपा है गाइस, अभी अफोर्ड कर सकता हूँ मैं. नहीं भी, एक टाइम ऐसा भी था जब नहीं कर सकते थे. तो थोड़ा सा पर्सनल स्टोरी आपसे शेयर करूँगा. ये प्रोटीन जो है, मैंने जब मैं कॉलेज में था, IIT खड़गपुर से मैंने गाइस सिविल इंजीनियरिंग किया, तब से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक लगा हुआ है अपने को. सो जब कॉलेज में थे इतना स्पेंडिंग पावर नहीं थी, हाथ बहुत तंग था, तो घर से पैसे लेते थे तो मांगने में भी शर्म आती थी. तो तब हम ये लेते थे यार, ये 10 पाउंड की बोरी आती थी. इसको बोरा बोलते थे हम, बोरा, सप्लीमेंट नहीं बोलते थे. तो ये 10 पाउंड का आता था और 3,500 रुपये तक का हमको मिलता था ये. तो हम लोग ये मंगाते, तो उस समय इतना महंगा लगता था हमको. तो हम लोग 4 दोस्त मिल के ये सप्लीमेंट खरीदते थे और फिर आधा आधा बांट बांट के करते थे. सो गाइस उस टाइम की बात है, तो नहीं कर पाते थे अफोर्ड. अभी चलो कृपा है भगवान की कि अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं ठीक है करता हूँ इस पर अफोर्ड, बिकॉज आई लाइक स्पेंडिंग ऑन फूड. और इससे रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि रिजल्ट आपको ख़राब मिलेंगे. मैंने तो शुरू के
तकरीबन 5-6 साल यही चलाया सिर्फ, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, पर हाँ बशर्ते आपको ये ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले तभी। तो अच्छा देखो गाइस एक और छोटी सी स्टोरी, देखो बॉडी बिल्डिंग बंदा क्यों स्टार्ट करता है, सच्ची सच्ची बताना, फिजिक विजिक तो थोड़ा ना आपने शुरू में सोचा होगा कि मैं कम्पीट करूंगा या ट्रेनर बनूंगा, दिल पे हाथ रखो शुरू में तो भाई बॉडी इसलिए बनाता हूँ कि लड़की पट जाए। तो हम भी वही था, कॉलेज में थे, बॉडी बन जाए बॉडी बन जाए। अच्छा हाँ IIT में क्या थोड़ा अलग ही फंडा है, 600 लोगों का बैच था हमारा, 2004 में गए थे IIT खड़गपुर और 20 लड़कियाँ, उसमें भी तो जो सुंदर सुंदर कन्याएं हैं कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो नीचे थे हम जैसे गरीब लोग सिविल और मैक के कितने लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, अगर तुम मैक के हो ना और ये वीडियो देख रहे हो तो भाई तुमसे ना हो पाएगा, सिविल और मैक हाथ तंग लड़कियों में, एक लड़की थी हमारे डिपार्टमेंट में, तो भाई ये इतना हाल बुरा था, एक एक फूल पे 15-15, 20-20 भंवरे मंडरा रहे हैं, जिसकी किस्मत लग गई, जिसकी गर्लफ्रेंड बन गई उसका कार्डियो ऐसे ही होता था रूम पे, जिसका नहीं होता था फिर हम लोग ट्रेडमिल यूज़ करते थे कार्डियो के लिए। तो ये था कॉलेज लाइफ, तो ये यूज़ करते थे सिर्फ गाइस, ये यूज़ करते थे, और डाइट भी इतनी कुछ खास नहीं थी, थोड़ा बहुत पता था अंडे खा लिए, कभी मेस में चिकन मिल रहा है चिकन खा लिया, जब बाहर जाके थोड़ा सा चिकन खा लिया, बट वर्कआउट हमारा हार्ड रहता था, हार्ड वर्कआउट मतलब 1.5 घंटा बॉडी को रगड़ना अच्छे से, सॉलिड 6 रेप 8 रेप हैवी वेट्स, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, वो उस समय आपकी बॉडी यंग होती है, टेस्टोस्टेरोन उबाले मार रहा होता है आपके अंदर से, तो बहुत अच्छा आपको पंप मिलता है। बात करते हैं अब वे प्रोटीन से हटके, तो जो सेकेंड मेन प्रोडक्ट आपको बल्किंग में लगेगा यह है गाइस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, और मेक श्योर आप इसमें हमेशा माइक्रोनाइज्ड ही खरीदें। माइक्रोनाइज्ड का क्या है, इसका एक एक ग्रैन्यूल को 200 स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ा गया है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ पाउडर, फाइन पाउडर होता है, मिक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है, और जब पेट में जब आप पीते हैं उसको तो नीचे बैठता नहीं है, ये ब्लोट नहीं मारता बॉडी में, और बॉडी में एब्जॉर्ब बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गई बात क्रिएटिन की, अभी मैंने ऑफ रखा हुआ है, मैं इसको अभी चालू करूँगा, शायद कल से ही चालू करूँगा आफ्टर माई कॉन्टेस्ट, मैंने मार्च अप्रैल 1.5 महीने का इसको ऑफ रखा था, तो मैं साइकिल करता हूँ ऐसा कि 2 महीना ऑन 1 महीना ऑफ या 3 महीना ऑन 1.5 महीना ऑफ, तो उस हिसाब से मैं साइकिल दिस। गाइज अब करते हैं बात BCAA की, तो 1, 2, 3, 4, 5 टाइप के BCAA मेरे पास, तो ये है अल्टीमेट न्यूट्रिशन का BCAA चेरी फ्लेवर, इसमें क्या है सब सेम है, कंपनी अलग है फ्लेवर अलग है, तो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा आपको, तो दिस इज़ चेरी फ्लेवर, दिस इज़ फ्रूट पंच, दिस इज़ ऑरेंज, दिस इज़ एक्सटेंड, कौन सा है ग्रेप फ्लेवर है, और ये है वन अप न्यूट्रिशन का BCAA प्लस, इसमें ग्लूटामिन भी है और एल-कार्निटिन भी है, दिस इज़ माई फेवरेट सप्लीमेंट, कोई कुछ भी कहे भाई मुझे तो ये बहुत प्यारा है, मेरे दिल के बहुत करीब है सप्लीमेंट। पूछेंगे क्यों, इसको मैं पता कैसे खाता हूँ, सितंबर में लिया था मैंने ये पिछले साल, और आज हो गई मई, तब से चल रहा है मेरा ये, एक चुटकी लेता हूँ मैं और प्यार से खाता हूँ इसको मैं, बड़े प्यार से, इसके पीछे की स्टोरी का इतना प्यार क्यों आता है मुझे सप्लीमेंट पे, क्योंकि सप्लीमेंट देने वाला बहुत प्यारा था गाइस, ये मैंने उठाया था जब मैं गया था मिस्टर ओलंपिया देखने 2016 लास वेगास में, तो वहाँ पे बूथ लगा हुआ था वन अप न्यूट्रिशन का, और वन अप न्यूट्रिशन के बूथ पे एक बड़ी सुंदर कन्या खड़ी थी जिसका नाम था एनिला सागरा, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, हर चीज़ उसकी फॉलो करता हूँ मैं, और वो मैं को उनसे मिला तो उन्होंने कहा हैव यू ट्राइड दिस, मैंने कहा नो बेब बट आई वुड लव टू, तो मैंने लिया ये, और तब से मैं इतना खाता हूँ कि ख़त्म ना हो जाए यार, ख़त्म ना हो जाए, जब भी खाता मेरे को बड़ी याद आती है उनकी, सो मेरी फेवरेट एथलीट है एंड शी इज अ वेरी फेवरेट बेब ऑफ माई, क्या बोला तुमने, शी इज फेवरेट वेरी वेरी फेवरेट दीदी, हां आई लव हर लाइक अ दीदी, हां वेरी गुड लाइक BKASB, हां पागल हो गए हो क्या वीडियो बनाते ये BKASB क्या है, मतलब बीवी के अलावा सारी लड़कियां बहन, हां वेरी गुड हां चलो बनाओ वीडियो बनाओ, तुम सो रही थी ना, सोते यहां कैसे आ गई, हां चलो बनाओ बोल दिया करो आने से पहले, बेस्ती आ रही व्यूअर्स के सामने, तो गाइस अब वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया, तो ये थे मेरे सारे सप्लीमेंट्स, जैसा कि मैंने कहा आपको ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप थोड़ा हार्ट टाइट है आपका सिर्फ वे प्रोटीन लीजिए क्रिएटिन लीजिए, और अगर आपको बहुत ही हार्ट टाइट है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक स्कूप यूज़ करिए वर्कआउट के बाद,
थोड़ा और अगर स्पेंड कर सकते हैं तो सुबह एक स्कूप यूज़ करिए और एक स्कूप वर्कआउट के बाद यूज़ करिए। और वे प्रोटीन को प्लीज़ पानी में लीजिए। मैंने देखा बहुत लोग दूध में पीते हैं, आप उसकी पोटेंसी को ख़राब कर रहे हैं अगर आप उसको दूध में ले रहे हैं तो। और अगर आप थोड़ा और हायर लेवल पे हैं, एक साल दो साल हो गया, अपने फिजिक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो सुबह उठ के एक स्कूप, वर्कआउट के बाद 1.5 या 2 स्कूप भी ले सकते हैं। और क्रिएटिन गाइस, इट्स अ वेरी चीप सप्लीमेंट। ये जो है 500 रुपये का आता है सप्लीमेंट ये, और 1.5 महीने तक चल सकता है। तो क्रिएटिन तो आई थिंक आप अफोर्ड कर सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट प्लस। हाँ, ऑल्सो मार्केट में बहुत सारे क्रिएटिन HCL, क्रिएटिन ये, क्रिएटिन फलाना ढमाका, बाय क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, सिंपल प्रोडक्ट। सो गाइज, दिस इज़ वॉट आई यूज्ड, आई वॉज वेरी ऑनेस्ट। मैंने ये नहीं दिखाया आपको कि मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ या क्या यूज़ करना चाहिए, क्या मैं यूज़ करता हूँ मैंने वो दिखाया आपको, और इसके अलावा सब होता है डाइट। सो मेरा क्या था स्टैक, बेसिकली प्रोटीन, क्रिएटिन एंड BCAA। सिंपल रखिए, खुश रहिए, खूब सारा खाना खाइए, माता रानी आपकी बॉडी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ाएगी। थैंक यू फॉर, हाँ, और साथ में साथ सब्सक्राइब भी करना, तभी बढ़ेगी। हाँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वंस अगेन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।